विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत का प्रेरित होना, उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। हमारे घरों में जितनी भी विद्युत आ रही है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण आती है। इसको करने के लिए मैं यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स को समझा देता हूँ। चुंबकीय फ्लक्स को समझाने के लिए मेरे पास क्या है, जैसे आपने विद्युत फ्लक्स किया था वैसे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स है। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वाली बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स पाई कहलाती। पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को हम क्या बोल देते हैं, चुंबकीय फ्लक्स पाई बोलते हैं। तो हम इसके दो केस लेके चलते हैं। नंबर वन, मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, मान लो ये कोई फ्लक्स है, ये पृष्ठ है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए है, और इसके लंबवत डायरेक्शन में यहाँ पर लेके चलो, और इसमें जो बल रेखाएं जा रही हैं इन बल रेखाओं की संख्या को यहाँ पर इसे शो करूँ, तो मेरे पास फाई बराबर कितना आ जाएगा, बी डॉट ए के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बी, क्षेत्रफल ए, तो इसका यूनिट कितना आ जाता है, वेबर के मान के बराबर होता है। दूसरा, यदि पृष्ठ हमारे पास ऐसा ही है ऐसा, और बल रेखाएं मान लीजिए ये ऐसे होता जा रही है, ठीक, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से कितना कोण बना रहा है, वाई। तो मैं यहाँ पर बी का कंपोनेंट कितना लेके चलूंगा, बी इक्वल टू वाई इक्वल टू फाई के ए के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना जाएगा, बी कॉस थीटा। इसलिए मेरे पास होगा, हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू ए, या फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आ जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स को हम कितना लेके चलते हैं, बी ए कॉस थीटा लेकर चलते हैं। अब देखिए फाई इक्वल टू कितना है, बी ए कॉस थीटा, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। देखिए मेरे पास कैसा होगा, इसकी यूनिट कितनी बताई मैंने, वेबर। वेबर साइंटिस्ट का नाम है, इसको बी बी से हो तो लिख चलते हैं, और चूंकि ये दो बिंदुओं का डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये अदिश राशि है। ठीक, इसके केस देखिए, केस नंबर वन, इफ थीटा इक्वल टू कितना आ गया, जीरो डिग्री, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी ए के मान के बराबर, ये मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, ये ऐसा है, ये ठीक बल रेखाएं हैं जो यहाँ से जा रही हैं ऐसा, और ये ए है, ये B
भी है तो लंबवत जा रही है। इस कंडीशन में मेरे पास पूरी की पूरी बल रेखाएं निकल जाएंगी, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। इसलिए फाई की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, 0 की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। तो फाई इक्वल टू यहाँ पर फाई इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लो ये क्षेत्रफल है और बल रेखाएं ऐसे होता जा रही हैं, ठीक। ये ए है, इनके बीच का एंगल कैसा हो रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि इससे लंबवत नहीं जा रही हैं, इसलिए कोई बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर कैसे हो गई, 0 के मान के बराबर। इसी को देखकर फैराडे ने एक नियम दे दिया, इसी का यूनिट हमारे पास यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, फैराडे है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय रेखा के नियम, ठीक। देखो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट ये किया, उसने एक कॉइल ले ली और उसने ये गैल्वेनोमीटर ले लिया, ठीक। और यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इधर लेकर आया, जैसे ही यहाँ पर लेकर आया तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जब लेके आते हैं या दूर लेके जाते हैं, यानी फ्लक्स की वैल्यू कैसे हो रही है, परिवर्तित, ठीक है। ये है ना, पास या दूर जाने पर फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जब वो पास लेके आता है या दूर लेके जाता है तो इस धारा मापी में विक्षेपण आता है, विक्षेप आता है। अब फ्लक्स यहां से होता जा रहा है तो ये कुंडली का क्षेत्रफल है और ये बल रेखाओं की संख्या बी है, तो ये बी का मान कैसा होता, बी और ए का मान कैसा होता है, परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन के कारण इसमें होता धारा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगती है। इसी को फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग कहते हैं। अब इसको मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, मैं इसके एक्चुअल में नियम बता देता हूँ। तो नियम मेरे पास दो है, नंबर एक, जब किसी बंद परिपथ में उसकी कुंडली वे अध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली के
सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं प्रेरित धारा बहती यह विद्युत वाहक बल तब तक बना रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तित होता है। ध्यान रखिएगा, अगर अपन एक बंद परिपथ ले लें और उस बंद परिपथ में एक कुंडली को लगा दें और एक चुंबक को पास लाएं या दूर ले जाएं, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कैसा होगा? लगातार परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन के कारण कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फिर धारा प्रवाहित होती है, और धारा के प्रवाहित होने से एक प्रेरण करंट धारा बह रही है, इसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। और यह जब तक होता है तब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, दूसरा नियम ये है हमारे पास, उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ज्यादा विद्युत वाहक उत्पन्न होता है। तो माना फ्लक्स फाई वन से फाई टू परिवर्तित होता है, इसलिए फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई कर दूं, जो हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन, एवं समय अंतराल डेल टी इजिकल टू टी टू माइनस टी वन, इसलिए ई समानुपाती डेल फाई अपॉन डेल टी। फैराडे ने यहाँ पर समानुपाती के चिन्ह को परिवर्तित में कन्वर्ट के लिए एक कांस्टेंट के ले लिया और डेल फाई अपॉन डेल टी यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में लेंज का नियम पढ़कर इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लेके चलता हूँ कि अगर मैं विद्युत वाहक दर करूँ तो E इक्वल टू कितना आ गया? माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। यदि
टू माइनस लिमिट लगा दूं, डेल पी टेंस टू वर्ड जीरो, डेल फाई अपॉन डेल टी लेके चले तो ई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डेल टी की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। ये उत्पन्न धारा विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। ठीक है, ये फैराडे के दोनों नियम है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे।